नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाना। हम ये समझ नहीं पा रहे कि हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन क्यों हो गया। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी कि जो भी यूरिन है उसको हमारी बॉडी से टॉक्सिन के रूप में बाहर करना, ये यूरिनरी फंक्शन है। इसमें सबसे ऊपर वाली साइड में आती है हमारी दोनों किडनी, और दोनों किडनी से एक नली के रूप में निकल रही होती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। और ये दोनों जो नली है, दोनों से, क्योंकि दो किडनी है और दोनों किडनी से नली निकल रही है जिसे यूरेटर बोलते हैं, और ये जाती है हमारे ब्लेडर तक। और ब्लेडर जब हमारा भर जाता है तो यूरेथ्रा के द्वारा हमें यूरिन पास करने की इच्छा होती है। ये कार्य निरंतर चल रहा होता है क्योंकि किडनी का क्या काम है, बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करना। यानी कि कहें कि यूरिन को जो बनाने की प्रक्रिया है वो किडनी से ही होती है, और वो फिर यूरेटर के द्वारा हमारे ब्लेडर में जाती है। और जब ब्लेडर में यूरिन इकट्ठा हो जाता है और वो ब्लेडर फुल हो जाता है तो हमें यूरिन जाने का प्रेशर बनता है और हम यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन को पास कर देते हैं। लेकिन कुछ कारणवश इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो देखा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यूटीआई इंफेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो लेडीज की एनाटॉमी है वो इस प्रकार से है, यानी कि उनकी जो शारीरिक संरचना है वो इस प्रकार से, क्योंकि एनस और यूरेटरल रास्ता पास पास होता है जिसके कारण से उनको इंफेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जो लोग पब्लिक टॉयलेट ज्यादा यूज करते हैं, देखा है कि हम कहीं गए और हमें इमरजेंसी के कारण से पब्लिक टॉयलेट यूज करना पड़ गया और खासकर वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना पड़ गया, तो इंफेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। या किसी को डायबिटीज है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो लंबे समय से है जिसमें HIV हो सकता है, तो उसके कारण से भी इंफेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। या हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं और उसके लिए हम बहुत लंबे समय से मेडिसिन निरंतर ले रहे हैं, उसके कारण से इंफेक्शन हो सकते हैं। या हम पानी बहुत कम पीते हैं, उसके कारण से हमारी बॉडी में इंफेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम हमारी किडनी का होता है, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट का होता है, और हम पानी कम पीते हैं तो वो टॉक्सिन बॉडी से रिमूव नहीं हो पाते और हमें इंफेक्शन हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में इंफेक्शन हो जाता है तो उसके बहुत सारे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, जैसे बुखार आना। और जब भी बुखार आएगा, जब भी हमें फीवर आएगा तो बहुत तेज होगा, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। उसकी जो रेंज है वो अपर साइड में होगी, हो सकता है 104 105 तक भी यह फीवर जाता है। और जब भी यह फीवर आता है ठंड के कारण आता है, और ऐसे लोगों को जब यूरिन पास करने जाना होता है तो देखा जाता है कि ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास होता है, और कई बार तो बहुत पेन होता है यूरिन पास करने में, और ऐसा लगता है कि यूरिन आना बंद हो गया, क्योंकि यूरिन ट्रैक्ट में इंफ्लामेशन हो जाता है। इंफेक्शन अगर ज्यादा रहता है तो इंफ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके कारण से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और कहा जाता है कि आपको यूटीआई हो गया। अगर आपको यूटीआई हुआ है, आपको यूरिनरी इंफेक्शन हुआ है, तो आज एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाऊंगा। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपको यूटीआई की जो प्रॉब्लम है, आपको इंफेक्शन जो हो गया वो हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम यूटीआई के लिए। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो जाना, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर कर जाता है तो उसे हम इंफेक्शन कहते हैं। ऐसे ही यूरिन में इंफेक्शन हो जाना, जब यूरिन में इंफेक्शन होता है तो यूरिन के साथ जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है, कोई अन्य प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे कारण कोई भी है चाहे परेशानी कोई भी है, यानी कि इंफेक्शन से संबंधित हम आज ट्रीटमेंट सीखेंगे। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना होता है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये दो निप्पल और इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है, ये थाइमस ग्लैंड होती है। हम इसको जब स्टिमुलेट कर देते हैं तो हम बॉडी के अंदर जो वायरस बैक्टीरिया एंटर कर गया है तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। करने का तरीका देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 टाइम्स रब करना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, अब दूसरी साइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यही रिपीट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से हम यूटीआई के लिए ट्रीटमेंट जब करेंगे तो आपको कितने भी दिनों से यूटीआई की प्रॉब्लम है यानी कि यूरिनरी इंफेक्शन है, करते के साथ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना यूटीआई होने के क्या कारण होते हैं, ये फिजिकल रिलेशन के कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो लेडीज की एनाटॉमी है उसके कारण से ये इंफेक्शन हो सकता है, उनकी शारीरिक संरचना है जो है वो इस प्रकार की है कि उनको इंफेक्शन होने के कंपेयर करें अगर हम जेंट्स के तो चांस उनमें ज्यादा रहते हैं। आप पब्लिक टॉयलेट ज्यादा यूज करते हैं तो उसको थोड़ा सावधानी रखनी है, सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है और समय रहते हुए आपको अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना है, नहीं तो ये थोड़ी सी बड़ी दिक्कत हो जाती है और इसके कारण से परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है। और जो ट्रीटमेंट मैंने सिखाया है ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करें, फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आपको जो ट्रीटमेंट सिखाया वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबा लें जिससे कि जो भी वीडियो हेल्पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।